इस माल रोड ग्लोबस बिल्डिंग में ओपन विशाल मेगा मार्ट अभी कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया गया है, देख रहे हैं आप सब। और गाइस क्लोजिंग चल रही है अभी, हम लोग सब समेट रहे हैं और फिर निकल जाएं। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड दिस इज आयुष। सो गाइस मैं हूं आयुष और आ गया हूं एक फिर से नए ब्लॉग के साथ। सो गाइस आज इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं कि वहां पर 8-10 दिन के लिए यार कस्टमर एंट्री बंद कर दी गई है और सिर्फ स्टाफ एंट्री है और कोई जा नहीं सकता, क्योंकि यार वहाँ से मेट्रो निकल रही है इसलिए थोड़ी खुदाई वगैरह चल रही है, इसलिए कस्टमर एंट्री बंद कर दी गई है। और अभी आज जाएंगे, चलिए आपको दिखाते हैं सारा इस वीडियो में सब कुछ। सो तब तक के लिए यार मेरी जिम का टाइम भी हो रहा है, जिम करने के बाद मैं आपको ले चलूँगा और दिखाऊंगा वहाँ पे सब कैसा क्या है, कैसे चल रहा है कैसे नहीं। सो है गाइस फाइनली जिम के बाद अभी हम लोग आ चुके हैं घर और अभी चलते हैं बाहर। एंड तब तक के लिए आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आइएगा गाइस। एक साल हो गया इस पेड़ को लगाए हुए, हमने इतना छोटा सा लाया था और अब ये इतना बड़ा हुआ और आज इसके अंदर पहली बार फूल निकला है। ये देखिए कितना अमेजिंग है गाइस। मैंने जहाँ से लाया था मैं तोड़ के इसको, तो मुझे पता था क्योंकि वहाँ फूल निकले हुए थे, तो मुझे लगता था कि फूल कभी ना कभी निकलेंगे, पर यार इतना लेट निकलेंगे पता नहीं था। लेकिन जैसा सोचा था उससे भी काफ़ी ज़्यादा बहुत ही प्यारा फूल निकला हुआ है। तो यार पेड़ लगाने की पूरी मेहनत मेरी सफल हो गई और सोचा नहीं था कि यार इतना खूबसूरत फूल निकलेगा। मैंने तो सोचा था यार शायद मैंने गलती से गलत तोड़ लिया, पर फाइनली यार फूल निकल आया है और आप देख सकते हैं कितना अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा कली है इसमें, देख सकते हैं आप। ये देखिए सो गाइस फाइनली ये पेड़ बड़ा हो गया और फूल इसमें निकलने लगे हैं और अब हमारे यहाँ कई पेड़ लगे हुए हैं आप देख सकते हैं। इसको भी मैंने हाईवे से तोड़ा था जो बीच में डिवाइडर पे लगे रहते हैं, पर ये काफ़ी बड़ा हो गया था, फिर मैंने इसको काटा है उसके बाद ये इतना हरा हो गया। सो और भी पेड़ हैं आप ये देखिए। और भी काफ़ी सारे पेड़ हैं, मिट्टू बाबू भी बैठे हुए हैं, इनको धूप लग रही है अभी चलते नीचे लेकर। और एक ये पेड़ है गाइस, बाकी ये इसमें भी गाइस काफ़ी फूल निकले हुए देख सकते हैं आप, गुलाब के सारे मैंने लगाए हैं और सभी को मैं देखता हूँ, डेली पानी डालता हूँ और गाइस सभी पेड़ डेली मेंटेन रखता हूँ और ये बड़े हो गए और काफ़ी अच्छे फूल निकले हैं। और चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, दिखाते हैं आपको अपने वर्क प्लेस का एरिया। मेट्रो को लेकर काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रहा हुआ है, चलिए आपको दिखाते हैं एंड लेट स्टार्ट दिस वीडियो। एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बताएं वीडियो कैसी लगी। भाई इधर से इतना ऊपर दिखा दो, इधर सारे कबूतर पले हुए हैं सब। सबसे ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग है ना, टॉप फ्लोर पे तो अभी गए नहीं है इसके, उधर से देखोगे ऊपर 3-4 फ्लोर अभी और मिलेंगे तुम्हें। इतने ऊंचाई पर ये फ्लोर है और तभी यार कंस्ट्रक्शन में रोक लगी है क्योंकि ये वेट है बहुत भारी। एंड गाइस अभी हम विशाल के बाहर खड़े हैं और बाहर से शूट कर रहे हैं क्योंकि आपको दिखाने वाले हैं कि एंट्री है या नहीं। आप देख सकते हैं सभी कस्टमर को वापस किया जा रहा है एंड 14-18 मार्च तक क्लोज है, जिसमें कि किसी भी कस्टमर को एंट्री नहीं है, स्टाफ जा सकता है अगर किसी काम से जा रहा हो तो। सो गाइस अभी स्टाफ की एंट्री है क्योंकि यार उसे भी थोड़ा बहुत काम रहता है समेटने का जो भी, फिर उसके बाद समेटने के बाद पूरा मॉल की सीज हो जाएगा, बंद कर दिया जाएगा 18 मार्च तक। और चलिए आपको दिखाते हैं अंदर कि क्लोज़ है कि ओपन है, आप खुद देखिए वीडियो में। एंड देखिए स्टार्टिंग में ही नोटिस बोर्ड लगा दिया गया है कि नोटिस वार्निंग विशाल मेगा मार्ट 14-18 मार्च क्लोजेड लिखा हुआ है। एंड चलिए आगे आपको दिखाते हैं, रेड टेप है इसके अंदर एंड लिकर लैंड है और विशाल मेगा मार्ट है, रोमिनस पिज़्ज़ा है एंड ऊपर काफ़ी सारे ऑफिस हैं जो कि क्लोज कर दिए गए हैं कुछ समय के लिए ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन। एंड गाइस आप देख सकते हो रेड टेप इज़ क्लोजेड, पूरा का पूरा मॉल बंद कर दिया गया है यार, जान से ज़्यादा कोई भी चीज़ सेफ़ नहीं रहती है, चाहे जितना बड़ा मॉल हो बंद कर दिया जाता है। एंड
गवर्नमेंट की नोटिस के अगेंस्ट कोई भी नहीं जा सकता, और रोमनेस पिज़्ज़ा भी क्लोज़ कर दिया गया है। एंड क्लोजिंग का टाइम थोड़ा सा लेट है, बट विशाल मेगा मार्ट भी क्लोज़ कर रहा है और आप देख ही सकते हैं। चलिए आगे आपको दिखाते हैं, ये देखिए लिकर लैंड और विशाल मेगा मार्ट अभी कस्टमर इन के लिए बिल्कुल क्लोज है, मगर स्टाफ अभी जा रहा है और विशाल अभी खुला हुआ है। एंड क्योंकि कस्टमर के लिए बंद है, स्टाफ के लिए बंद नहीं, क्योंकि यार अभी हमारी भी क्लोजिंग चल रही, समेटा जा रहा है सामान सारा जो जैसा फैला था सही से लगाया जा रहा है। एंड लिक्विड लैंड भी देख सकते हैं आप ओपन है, बट कोई आ जा नहीं सकता, सिर्फ ओपन है कंपनी के अकॉर्डिंग, क्योंकि कंपनी को इन्फॉर्म जब तक नहीं हो जाता है, अप्रूवल नहीं हो जाते हैं, कंपनी का कोई भी स्टोर बंद नहीं होता है बिना उसके अप्रूवल के। सो, जब तक अपने जर्नल को, जो भी वहाँ का जर्नल है, जब तक उसको इन्फॉर्म नहीं करोगे, वो ऊपर से अप्रूवल नहीं लेगा, तब तक के कोई भी स्टोर बंद नहीं हो सकता। एंड अभी भी हमारा भी स्टोर खुला है, लेकिन कस्टमर एंट्री बंद है, बट एंड पूरा का पूरा मॉल गाइस आप देख सकते हैं बंद है, और ये सारी गाड़ियाँ स्टाफ की हैं। अभी स्टार्ट है, तुम्हें लग रहा है, और हम लोग काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं स्टोर में, एंड आप देख ही सकते हैं हमारा भी क्लोजिंग का चल रहा है, समेट रहे हैं सब और बैठे हैं सब लोग, मस्ती कर रहे हैं ग्रुप में, बातें कर रहे हैं, और अपने भाई को एक व्लॉगिंग सिखा रहे थे कि भाई ऐसे कैमरा पकड़ते हैं ऐसे नहीं, क्योंकि यार बैठे थे, हमारा भी एक भाई यूट्यूब वीडियो बनाता है, एंड उसको भी पता नहीं था कि कैसे कैमरा पकड़ते हैं, तो मैंने उसको सब बताया। एंड गाइस हम लोग ने पूरा दिन मस्ती की है, और सभी लोग ग्रुप में सिर्फ बातें कर रहे थे, घूम रहे थे और कुछ नहीं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलता है।